मंगलवार की देर शाम तिलकामांझी थाना क्षेत्र के पटलबाबू रोड स्थित होटल के पीछे रहने वाले व्यवसायी शंभू टिबरेवाल के घर में हुए 25 लाख के गहने की डकैती मामले में 24 घंटे होने को है, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली है। सीसीटीवी फुटेज को जुटाकर सीटीएसपी व सीटीएएसपी लगातार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। लोगों की नजर इस घटना पर टिकी हुई है। फिलहाल सीटीएसपी ने मीडिया कर्मियों को पेशेंस रखने को कहा है। वो मास्क लगा हुआ कैमरे में जो आ रहा पिक्चर, अब रोड पर जो निकल के जो जाने की गतिविधि को जो है वो अपने लोग खंगाल रहे हैं। जब तक वो पिक्चर कैमरा जो नहीं आ जाए, स्पष्टीकरण करना ही मुश्किल है। क्या लगता है कि पुलिस अपराधी तक पहुंच पाएंगे? नहीं, पुलिस का रोल सहयोग वाला अच्छा रहा है, और अभी तक जो भी है एसपी साहब हुए, डीएसपी साहब हुए, प्रभारी मौजूद हैं, तो अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। कल घटना के कितने देर बाद पुलिस पहुंची? 15 मिनट। तिलकामांझी थाना को मैंने कॉल किया, जो आने में समय लगा 15 मिनट, पहुँच गई। क्या लगता है अपराधी कौन होंगे? आप बिना अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि कोई ऐसा विवाद भी नहीं है। साधारण परिवार से लोग आते हैं, व्यापार करना है, घर आना है। हाल के दिनों में भागलपुर जिले में अपराध का ग्राफ जो है लगातार बढ़ा है। फरवरी महीने में सोने की लूट हुई थी और उसकी रिकवरी अभी तक प्रशासन नहीं कर पाई है। हालांकि उस मामले में 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, और ताज़ा मामला कल का है, जहां पटलबाबू रोड जो तिलकामांझी थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहां पर उमा शंकर कंपाउंड, और यहां पर इस ये जो घर आप देख रहे हैं, इस घर के अंदर 5 हथियारबंद लुटेरे घुसे हैं, और जो शंभू टिबरेवाल हैं उनकी पत्नी को बंधक बनाकर और 25 लाख के नगद और सोने को लूट लिया गया है। और लगातार, और इसी गली की बात करें तो इसी गली से अपराधी जो है निकले हैं, और सीसीटीवी फुटेज में भी देखा जा रहा है कि अपराधी आ रहे हैं और मास्क में हैं, हेलमेट में हैं। लगातार जो यहां पर प्रशासन की जो है लगातार प्रशासन यहां पर आकर जाँच कर रही है। सीटीएसपी और सीटीएसपी खुद यहां पर आकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल पेशेंस रखिए। हालाँकि जनता को पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। इससे पहले भी सोना लूट मामले में भी लोगों ने पेशेंस रखा था कि कब तक अपराधियों की गिरफ्तारी होती है, और इस मामले में भी अब लोग पेशेंस रखने की, जो अधिकारी हैं वो पेशेंस रखने की बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है, और जो रुपये लूटे गए हैं, जो नगद और जो गहने लूटे गए हैं, वो कब तक रिकवरी करा पाती है। अश्विनी कुमार, बिग न्यूज़, भागलपुर। 332 करोड़ की लागत से बनी लगभग 41 किलोमीटर लंबी राज्य उच्च पथ संख्या 84 घोगा पंजवारा पथ का लोकार्पण राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। मौके पर उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन, सांसद गिरधारी यादव, अजय कुमार मंडल, विधायक राम नारायण मंडल, भूदेव चौधरी, पवन कुमार यादव, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार, अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीना के अलावे कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। वहीं कहलगांव में इस मौके पर विधायक, एसडीपीओ, डीएसपी के अलावे कई कार्यकर्ता एवं आम जनता शामिल थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिमोट दबाकर उच्च पथ का उद्घाटन किया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सुल्तानगंज विधानसभा से प्रत्याशी रहे ललन यादव ने कहा कि सड़क निर्माण में बहुत ही कमी है और मटेरियल में भी कमी है। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें कहीं कहीं सड़क फटी नजर आ रही है, इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से जांच करवाने की मांग की है। बिहार के सुशासन के मुख्यमंत्री आगे करके लगाओ, रोड जाम हो जाएगा। लोकप्रिय नेता मुख्यमंत्री जी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से आज बिहार की जनता को NH-85 समर्पित कर रहे हैं। निश्चित तौर से वो बधाई की बात है, पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, इनके कार्यक्रम को धन्यवाद देता है, इनके विकास को धन्यवाद देता है। भरपूर रोड है SH-85 और 155 करोड़ से अधिक लागत का ये रोड है, और इसमें जो अनियमितता हुआ है, जो भी संबंधित पदाधिकारी हो, जो भी कंपनी है, मेटेरियल में कहीं ना कहीं बेईमानी किए हैं। और आज ही बिहार के सुशासन बाबू मुख्यमंत्री, जिसके काम पे लगातार लोग उनको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, आज इस रोड के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिलान्यास कर लोकार्पण करेंगे, और कई जगह रोड फटा हुआ है। किसानों के लिए सुविधाजनक रोड बना,
पब्लिक को चलने लायक रोड नहीं था, आम जनता को चलने लायक सुविधा नहीं था, रोड की चौड़ाई कम थी, वो अब नेशनल हाईवे के रोड के तरह हो गया। सुल्तानगंज प्रखंड क्षेत्र की एक दर्जन पंचायत व नगर परिषद के कई वार्ड बाढ़ प्रभावित हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों को प्रशासनिक मदद नहीं मिल पाई है, जिससे आक्रोशित हजारों बाढ़ पीड़ितों ने बुधवार को अफसरों के खिलाफ प्रखंड मुख्यालय परिसर में नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। ममता देवी, सुलोचना देवी, प्रतिभा देवी, बेबी देवी ने बताया कि बाढ़ का पानी हम लोगों के घरों में घुस जाने पर बच्चों को लेकर एक सप्ताह तक घर के बाहर निकलकर ऊंचे स्थानों पर शरण लिए हुए थे। घर लौटने पर सब कुछ बाढ़ की भेड़ चढ़ चुका था, रहने और खाने के लाले पड़े हुए थे, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की प्रशासनिक मदद नहीं मिल पाई है। सूखा राशन, आर्थिक सहायता राशि की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, सिर्फ आश्वासन छोड़कर कुछ नहीं मिला है। सुल्तानगंज प्रखंड में आई बाढ़ के पानी से ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ नगर परिषद क्षेत्र के कई वार्डों के हजारों से अधिक आबादी प्रभावित हुई है, लेकिन आपदा के तहत पीड़ितों को मिलने वाली 6,000 की आर्थिक सहायता राशि से नगरीय क्षेत्र के बाढ़ पीड़ितों को महरूम रखे जाने की बात पर बुधवार को नगर परिषद के आक्रोशित हजारों बाढ़ पीड़ित गोलबंद होकर प्रखंड कार्यालय पहुंचकर जमकर हंगामा किए। इस दौरान प्रखंड कार्यालय सभागार में अनुश्रवण समिति की चल रही बैठक को भी बाधित करने का बाढ़ पीड़ितों ने प्रयत्न किया। वहीं बैठक खत्म होने के बाद सभी अधिकारी व जनप्रतिनिधि पीछे के रास्ते से खिसक लिए, जिसके बाद फिर एक बार बाढ़ पीड़ितों के सब्र का बांध टूटा और प्रखंड कार्यालय के मुख्य गेट पर पहुंचकर NHSC को जाम कर घंटों हंगामा किया। सूचना पर पहुंची सुल्तानगंज थाना पुलिस लोगों को समझा बुझाकर जाम को हटवाई। ना राशन हम लोग का मुहैया करा गया, ना अभी तक कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से आया। परिषद के अंदर पड़ता है वार्ड नंबर 22, 23, 24, 25, 21, 22। हम लोगों को अभी तक घर में पानी घुसा हुआ है, लेकिन कोई हम लोगों को राहत अभी तक नहीं मिला। ये नगर परिषद क्षेत्र में 2021 में जो बाढ़ आए हैं, इस पर सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं मिला है, जबकि नगर परिषद क्षेत्र में 3-3 वार्ड में नाव द्वारा रिस्क्यू करके आदमी को ऊपर किया गया है। कि जो भी मतलब बाढ़ पीड़ित प्रभावित हुए हैं उन सभी को 6,000 रुपया दिया गया। मैं था इस नंबर वार्ड से, जो बैठक में क्या वही लिया गया है कि जो मतलब पर्ची बना करके दिया जाए, लिस्ट बना करके उसको मतलब भेजा जाएगा, उसके द्वारा फिर वहां से जो आवेदन आएगा। आप लोगों ने लिस्ट जमा किया है या नहीं? नहीं, अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं लिया गया। गंगा के जलस्तर में कमी आने से भागलपुर जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में धीरे धीरे पानी उतरने लगा है। घटते जलस्तर के बाद बाढ़ की विभीषिका का मंजर अब साफ साफ दिखने लगा है। जिले के 14 प्रखंड के लाखों की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है। बाढ़ के पानी का प्रभावित क्षेत्रों से निकलने का सिलसिला शुरू होने के बाद प्रशासन के द्वारा संभावित महामारी से बचाव को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि बाढ़ का पानी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से निकलने के बाद महामारी और संक्रमण से बचाव को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम को अलर्ट मोड में रखा गया है। बाढ़ जो इस बार अप्रत्याशित गंगा नदी में पानी बढ़ने के कारण जो बाढ़ की स्थिति हुई जिले में और एक जगह तटबंध टूटा, तो हम लोगों ने काफ़ी कम्युनिटी किचन, आप देखेंगे कि 250 से ज़्यादा स्थानों पे कम्युनिटी किचन कैंप का सफल संचालन हुआ। कहीं भी किसी तरह से कोई भी शिकायत हम लोगों को नहीं प्राप्त हो रही है, चाहे मेरे दूरभाष पे या स्थल भ्रमण के क्रम में लगभग सभी प्रखंड के बहुत सारे कैंपों का मेरे द्वारा भी निरीक्षण वरीय पदाधिकारियों द्वारा भी किया गया है। तो पेयजल की व्यवस्था हो या दवाई की व्यवस्था हो, कोविड का वैक्सीनेशन हो, टेस्टिंग हो, सब हम लोगों ने प्रोटोकॉल के हिसाब से कराया। और जो GR की राशि होती है 6,000 रुपया, वो PFMS के माध्यम से लगभग 90,000 परिवारों को हम लोग भेज चुके हैं और 20,000 से 25,000 परिवारों को और दिया जाना है, वो भी हम लोग अगले 4-5 दिन में भेज देंगे। एक सप्ताह में सभी लोगों को राशि जो है जितने बाढ़ प्रभावित गांव थे उनके परिवारों को उपलब्ध करा देंगे। और इसके अलावा जो रोड डैमेज हुआ है उसमें एक मीटिंग मेरे स्तर से हो गई है, चाहे वो RWD का हो, RCD का हो, तो जहाँ जहाँ डैमेज हुआ है बाढ़ के पानी के कारण, जैसे ही पानी उतरेगा उसके बाद तुरंत बाद संबंधित इंजीनियर उसको मोटरेबल कराएंगे और फिर आगे जो है प्रॉपर उसके रिस्टोरेशन का काम भी होगा।
भागलपुर में बिहार के इंटर विद्यालयों व कॉलेजों में इन दिनों इंटरमीडिएट में दाखिला के लिए आवेदन फॉर्म भरा जा रहा है। इंटरमीडिएट में दाखिला के लिए इस बार छात्र छात्राओं को कम समय मिला है, जिसको लेकर कॉलेज में छात्र छात्राओं की काफी भीड़ उमड़ रही है। इसी कड़ी में भागलपुर के सुंदरवती महिला महाविद्यालय में छात्राओं की काफी भीड़ देखी जा रही है और कई दफे हंगामा भी हो जा रहा है। दरअसल आज सैकड़ों की संख्या में छात्राएं आवेदन के लिए कॉलेज पहुंची, लेकिन कर्मचारियों की कमी के कारण आवेदन प्रक्रिया काफी धीमा चल रहा था। इस दौरान प्राचार्य प्रोफेसर रमन सिन्हा ने कहा, कॉलेजों को बीएसईबी ने दलाल बनाकर रखा है। हमारे पास कर्मचारियों की कमी है, जिसके कारण आवेदन प्रक्रिया में समय लग रहा है। हमने कर्मचारियों की मांग की थी, कर्मचारी हमें नहीं मिल रहे हैं और फॉर्म भरने का भी 2 दिन का ही समय है। वहीं मौजूद छात्राओं ने अपना दर्द को बयां करते हुए बताया कि यहां सुबह से ही कभी इधर तो कभी उधर जा जाकर परेशान हो गई हूं, कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। वहीं मौजूदा परिजन का हाल बुरा दिखा, वो कॉलेज के गेट पर बेबस और लाचार अवस्था में अपने बच्चियों का इंतजार करते नजर आए। क्या है कि हम लोग दौड़ते रहे, चेक बंद करके वहाँ पे, क्या मतलब है? मानना इसीलिए हुआ है क्योंकि इतना अफवाह फैलाया गया कि आज लास्ट डेट है, अगर आपको डेट बढ़ा दिया जाए तो इतना कभी नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन क्या बजे से बैठला छो? बैठे हैं 11 बजे। क्या दिक्कत है? बाहर में खड़े हैं, कब से बचाएगा, जाएंगे कितना देर से? बच्ची बाहर नहीं, बच्ची अंदर है। तो कितना देर से? 2-3 घंटा हो गया। 2-3 घंटा हो गया। बिहार पंचायत त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। सभी जिले के जिलाधिकारी चुनाव की तैयारी में युद्ध स्तर पर जुट गए हैं। भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने चुनाव की तैयारियों पर कहा कि द्वितीय चरण से यहां चुनाव होने हैं। नामांकन तिथि घोषित कर दी गई है। इस बार ईवीएम से 4 पदों का चुनाव होना है। इसको लेकर क्रमिकों के लिए कार्यशाला भी आज से शुरू हो चुकी है। विधि व्यवस्था को लेकर हम लोग थानावार समीक्षा करेंगे। जो भी असामाजिक तत्व हैं और जो चुनाव को डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए सारी व्यवस्थाएं की जा रही है। पंचायत चुनाव को लेकर के आयोग ने अधिसूचना जारी की है। पंचायती राज विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है। तो 10 चरणों में होना है हम लोगों के जिले में चुनाव। प्रथम चरण के बाद से द्वितीय चरण से जो है विभिन्न प्रखंडों में चुनाव की प्रक्रिया की जानी है। उसमें नामांकन तो अभी बहुत जल्दी ही शुरू हो जाएगा। तिथियां घोषित कर दी गई हैं, वो आपको कॉपी उसकी हम लोग अवेलेबल करा देंगे। अब नामांकन और उसके बाद फिर जो हम लोगों का सारा प्रिपरेशन होता है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण है कि ईवीएम से इस बार 4 पदों का होना है और जो पर्सनल लगते हैं, कार्मिक लगते हैं, उनकी ट्रेनिंग के लिए मास्टर ट्रेनर के साथ आज वर्कशॉप प्रारंभ हो गया है। बहुत जल्दी हम लोग ट्रेनिंग की व्यवस्था भी जो है वो सुनिश्चित कराते हुए सबकी ट्रेनिंग कराएंगे। और इसके अलावा जो विधि व्यवस्था का संधारण होता है, उसके लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। जो बॉन्ड भरवाने का जो भी इस तरह के असामाजिक तत्व होते हैं या जिन पे सीसीए की कार्रवाई की जानी है, वो पहले ही शुरू कर दी गई है। तो एक एक थानावार हम लोग समीक्षा करेंगे। मेरे और SSP और नौगछिया SP के स्तर पर इसकी समीक्षा होगी और जो भी इस तरह का एलिमेंट है जो चुनाव को डिस्टर्ब करने का किसी तरह का प्रयास करेंगे, उन पर पहले ही हम लोग जो है जो कानूनी कार्रवाई है वो हम लोग करवाएंगे और बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में बहुत अच्छे तरीके से जो है हम लोग चुनाव संपन्न कराएंगे। तो सुरक्षा बल कौन लगाएगा इसमें? चूँकि हाँ, इसमें अभी जो हम लोगों को जो मिला है दिशा निर्देश और फ्यूचर में भी और कुछ गाइडलाइन आने की संभावना है, क्योंकि आप इसमें देखेंगे कि प्रत्येक चरण में 1 या 2 प्रखंड, लास्ट में ही मेरे ख्याल से 3 प्रखंड है अंतिम चरण में। तो उसमें भी जो इस्माइलपुर है वो काफ़ी छोटा है, 5 पंचायत का है। तो एवरेज जो है 1 या 2 प्रखंड जो है वो एक फेज में चुनाव में जाएगा। तो फोर्स जिले में हम लोगों के पास पर्याप्त है, पदाधिकारी पर्याप्त है, हर एक बूथ पर जो है हम लोग पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैयार करेंगे, तैनात करेंगे। फिर सेक्टर जोनल, सुपर जोनल, इस हिसाब से सारी तैयारी रहेगी और हमको नहीं लगता है कि फोर्स की जिले में किसी तरह की कोई कमी होगी। और अगर अतिरिक्त बल की भी आवश्यकता होगी तो वो भी पुलिस मुख्यालय से हम लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। काउंटिंग के लिए हम लोग निर्णय ले रहे हैं। इसमें हम लोगों का इस बार जो प्रयास है कि एक ही जगह पर काउंटिंग कराया जाए, चूँकि ईवीएम से भी काउंटिंग होनी है। तो एक हम लोग किसी बड़े भवन का चुनाव करके वो जल्द ही आप लोगों को बता देंगे। वहीं हम लोग डिफरेंट फेजेस की काउंटिंग वहीं हम लोग सुनिश्चित कराएंगे, ताकि खर्च भी कम हो और अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे काउंटिंग होता है तो सुरक्षा व्यवस्था भी अच्छी रहती है। जो कभी कभी हम लोग काउंटिंग के दौरान देखते हैं कि कहीं कहीं विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है,
तो वो नहीं हो पाएगी और नज़र भी हम लोग बहुत अच्छे से रख पाएंगे। तो इस बार हम लोगों का प्रयास है कि काउंटिंग हम लोग जिला मुख्यालय में ही एक बड़े भवन में कराएं। देखिए बाढ़ प्रभावित इसीलिए जो है आप देखेंगे कि चुनाव का जो शेड्यूल निकला है जितने प्रखंड बाढ़ प्रभावित हैं उसमें आप नवंबर दिसंबर में चुनाव हो रहा है तो तब तक तो पानी निश्चित रूप से पानी तो अभी भी बहुत तेज़ी से घटा है, गंगा खतरे के निशान से नीचे आज आ जाएगी, काफ़ी पानी घट भी गया है तो तब तक जो है बाढ़ के पानी का असर बहुत कम हो गया होगा और निश्चित रूप से जो है चुनाव के संचालन में किसी तरह की कोई समस्या स्वयं फेस नहीं होगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम साल दर साल घाटे में डूबता जा रहा है। कोरोना की दस्तक के बाद परिवहन निगम की स्थिति बद से बदतर हो गई है। ऐसे में अब निगम स्क्रैप बेचकर पैसा जुटाने की कवायद में जुट गया है। इसी कड़ी में भागलपुर सरकारी बस स्टैंड में 3 दशक से पड़े 50 खटारा बसों की नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई है। नीलामी के लिए MHTC एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है। इस महीने के अंत तक नीलामी प्रक्रिया पूरी करनी जाएगी। नीलामी में 50 बसें, 300 से अधिक टायर और बस के स्क्रैप शामिल हैं। बीते 6 अगस्त को पटना से आए राज्य पथ परिवहन निगम के चीफ मैकेनिकल इंजीनियर ओम प्रकाश पाठक ने बस स्टैंड का निरीक्षण किया था। उन्होंने सभी स्क्रैप को जल्द से जल्द नीलामी कर हटाने का निर्देश दिया था। इसके बाद भागलपुर पथ प्रमंडल ने इसकी कवायद शुरू कर दी है। सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक रामनारायण दुबे ने कहा कि नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 50 बस और 300 टायर के अलावे बस के स्क्रैप हैं जिनकी नीलामी की जानी है। बसों के स्क्रैप की कटिंग हो रही है। 25 से 30 दिनों में सभी बस के स्क्रैप की कटिंग हो जाएगी। इसके बाद स्क्रैप को तौला जाएगा। स्क्रैप खाली होने के बाद वहां निगम की नई बसें पार्क की जाएगी। खाली जगह का उपयोग सौंदर्यीकरण के लिए किया जाएगा। विधायक गोपाल मंडल के उप मुख्यमंत्री पर बयान को लेकर नौगछिया में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रेस वार्ता किया। पूर्व सांसद अनिल मंडल ने कहा कि मैं 1974 के आंदोलन में 17 माह जेल में रहा हूं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को 1 लाख रुपए की थैली दिया था। 77 में चुनाव लड़ा था। विधायक का बार बार जुबान फिसल जाता है। उन्हें ENT के इलाज की जरूरत है। पार्टी उस पर कार्रवाई कर रही है। जदयू से हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने पुत्र से ठेकेदारी करवाते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी के बदौलत राजनीति करते हैं। विधायक गोपाल मंडल ने कमिश्नर से लेकर BDO तक को धमकाया है। वहीं प्रदेश कार्य समिति सदस्य नितेंद्र उर्फ गुलाबी सिंह ने कहा कि उप मुख्यमंत्री 10 बजे तक आ चुके थे, आप लोगों ने कार्यक्रम रद्द किया था। विधायक जी आप कुछ भी कीजिए लेकिन हम लोगों को मत घसीटिए। हम लोगों ने प्रदेश को सारी जानकारी दे दी है। हम लोगों ने ही आपको विधायक बनाया है।